गुड मॉर्निंग सर, टुडेज टॉपिक है डार्विन या डार्विन्स थ्योरी। आज का जो टॉपिक है आपका विषय है डार्विनिज्म और डार्विन्स थ्योरी है, ठीक है। सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित, जीवन की उत्पत्ति पर आधारित, कि जीवन की उत्पत्ति या आज के जो जीव हैं वो कैसे पाए गए और कैसे बने, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम है, द फुल नेम ऑफ द डार्विन चार्ल्स डार्विन, ये इनकी जो टाइमिंग है 1809 से लेके 1809 से 1882 तक है। गेव द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन बुक, इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो क्या दी थी, नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्णवाद। और उसका जो जिस बुक्स में पब्लिश किया उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल यानी प्रकृति द्वारा नई जाति का वर्ण, ठीक है। सिलेक्शन चयन, प्रकृति द्वारा नई जाति का चयन, ठीक है। इसके बाद क्या है, फर्स्ट जो हेडिंग है, ऑर्गेनिज्म हैव इमेंस पोटेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, क्या है, प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, जिस कारण कोई उसका जो लाइफ है वो पृथ्वी में क्या है, बन रहती है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव ग्रेट पावर ऑफ प्रोडक्शन, प्रत्येक जीव में रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की असीम क्षमता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ऑस्टर ले अबाउट 10 लैक्स एग पर ईयर, यानी एक साल में 10 लाख अंडे देता है, कौन, ऑयस्टर यानी सीप, ठीक है। अगर इस तरीके से वो देता रहे तो पूरी पृथ्वी में, पूरे समुद्र में क्या हो जाएंगे, ऑयस्टर ही ऑयस्टर हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड है अपन का एस्कैरिस, ठीक है। एस्कैरिस क्या है, प्रोड्यूस द सेल दो करोड़ 70 लाख अंडे देता है अपने पूरे जीवन में। अगर इस तरीके से ये अंडे देता रहा और प्रत्येक एस्कैरिस इतने ही अंडे अपने जीवन काल में दें तो एक समय में पूरी जो अर्थ होगी उसमें क्या होंगे, एस्कैरिस पाए जाएंगे, ठीक है। फाउंड द वाटर स्पेस इन लिमिटेड ऑन द अर्थ फूड, ये जो लिमिटेशन है जीवों की संख्या की लिमिटेशन है, एक सीमित मात्रा है, वो क्यों बनी रहती है, क्योंकि फूड यानी भोजन, वाटर यानी जल, स्पेस यानी स्थान क्या है, पृथ्वी में एक सीमित है, लिमिटेड है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। सेकंड जो इनकी हेडिंग है वो है स्ट्रगल ऑफ असिस्टेंस। इसमें जो है जो जीव हैं उनको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, उन्हें वेरियस चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे नीड किन किन चीज़ों के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए एंड सम स्पेस लिव एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ स्थान चाहिए पड़ता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी उन्हें कुछ जगह या स्पेस लेना पड़ती है। इन्हीं स्ट्रगल की वजह से जो जीवों की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो कंट्रोल रहती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो मेन हेडिंग है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन सेम स्पीसीज दिस इज मोर सीरियस, इंटर स्पेसिस यानी अंतः जातीय संघर्ष से हिंदी में बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन यानी अंतः जातीय संघर्ष, ये एक ही जाति के मध्य होता है और ये ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि एक ही जाति के समाप्त होने की संभावना इसमें बनी रहती है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ये क्या है, एक जनरल कॉम्पिटिशन है, जनरल है, जैसे कि हिरन और शेर के बीच में संघर्ष होता है भोजन के लिए, या जनरल अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरे जो जानवर हैं उनसे संघर्ष होता है, यानी दो जातियों के मध्य, दो विपरीत जातियों के मध्य ये संघर्ष होता है, इसलिए इसे कहते हैं अंतर जातीय संघर्ष, ठीक है। ये नेचुरल है और इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है। इसके बाद टेम्परेचर के प्रति भी स्ट्रगल होता है, फूड के लिए भी स्ट्रगल होता है, भोजन के लिए भी स्ट्रगल होता है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर, वातावरण का जब तापमान घटता या बढ़ता है अचानक से, तब भी क्या होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सन ठंडा हो जाए इन्वायरमेंट, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, संघर्ष करना पड़ता, तब जाके जीवित कोई जीव जीवित रह पाता है। वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, जब हम किसी संघर्ष करते हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी में क्या होती है, चेंजिंग आती है, हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, उसी को कहते हैं वेरिएशन। जैसे कि एकदम से जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो जो डायनासोर थे वो अपने आप को उस टेम्परेचर के अनुसार नहीं ढाल पाए और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, वो समाप्त हो गए, ठीक है। इसी हिसाब से अगर अपन अपने कोई घटना होती है, कोई एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग आती है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। जो डेवलप कर लेते हैं उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आती हैं जो उस वातावरण के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल होती हैं या उचित होती हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो जीव जीवित रहता है। तो वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, और जो वेरिएशन आती हैं उनका, उनकी संतानों में जाना भी जरूरी है,
ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है। अगर वो वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो कोई भी तरीके का हमारे जीवों में नई जाति में जो है वेरिएशन नहीं आएगा और कोई नई जाति धीरे धीरे नहीं बनेगी। तो फेवरेबल वेरिएशन प्रोवाइड द बेटर सर्वाइवल चांस। अगर कुछ ऐसी आ रही कोई घटना हो जैसे एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है, उसमें ऐसे वेरिएशन आ जाए जो इस एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, तो इसे कहते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो अगर अपन वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाते हैं तो वो वेरिएशन क्या होते हैं, संतान में जाते हैं, नहीं तो वेरिएशन संतान में ट्रांसफ़र नहीं होते, वो अनुवांशिक लक्षण नहीं कहलाते, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स नहीं बनते। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, जो सर्वाइव कर जाएगा एनवायरनमेंट के अनुसार, है ना, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा वही क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेगा वो क्या हो जाएगा, आगे सेलेक्ट हो जाता है और प्रकृति उसका चयन कर लेती है। सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग फेवरेबल एंड एडेप्टेशन ओनली सर्वाइव सो देयर एनवायरनमेंट सर्वाइव अदर डाई। ठीक है, तो जो अपने आप को एनवायरनमेंट के फेवरेबल एडेप्टेशन कर लेते हैं वो सर्वाइव करते हैं, अनदर जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं। जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेगा वो जीवित रहेगा, और जो अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएगा वो क्या हो जाता है, वो जीव मर जाता है। इसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि यूज द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड कलेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो इसे हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है, फिट रह सकता है प्रकृति में, जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार वातावरण के अनुसार क्या करे, ढाल लें। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को अपन कहते हैं योगतम की उत्तरजीविता, हिंदी में से बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार एडॉप्ट फेवरेबल जो एडेप्टेशन है, फेवरेबल चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेंगे, उन्हें क्या करती है, प्रकृति चयन कर लेती है, उनका सिलेक्शन कर लेती है। और जो अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज नहीं कर पाते, परिवर्तित नहीं कर पाते, वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते, वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वहीं पे समाप्त हो जाता है उनका जीवन। इसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जैसे जैसे धीरे धीरे वेरिएशन आती जाती हैं जीवों में, उन वेरिएशन के कारण आने वाले समय में, है ना, जो आगे का जो समय आता है धीरे धीरे, तो वो जो जीव है वो इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है कि एक नई जाति बन जाती है, उसको अपन देख के पुरानी जाति की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या होती है, एक नई जाति स्पीसीज बन जाती है, जब उनमें धीरे धीरे इतनी वेरिएशन आ जाती है कि वो पुराने जीव से क्या हो, बिल्कुल अलग दिखने लगे। जैसे कि कहा जाता है कि मनुष्य जो बना है वो किससे बना है, बंदर से। तो बंदर को देख के अपन नहीं कह सकते अब कि अपन बंदर से बने हुए हैं, लेकिन ये सत्य है कि जो मनुष्य है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, बंदर से हुई है। उनमें ऐसे ऐसे वेरिएशन आते रहे, वातावरण के अनुसार उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया कि वो जो बंदर की जो स्पीसीज जो वेराइटी उससे बिल्कुल अलग हो गए, चेंज हो गए। तो इस तरीके से नई नई स्पीसीज बनती हैं। ठीक है, ये किसने बताया था, डार्विनिज्म ने। उन्हें एग्जाम्पल के रूप में जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले के समय पे दो तरीके के जिराफ होते थे, छोटी गर्दन वाली यानी बकरी के समान और एक बड़ी गर्दन वाली जो आज के हैं लगभग उनके तरीके से। फिर वातावरण में चेंज हुआ, घासें ख़त्म हो गई, दक्षिण अफ्रीका की जो घास का मैदान था वो ख़त्म हो गया एनवायरनमेंट में चेंजिंग के कारण, और वो जो छोटे थे बकरी क्या करके वो उन घासों को खा नहीं पाए, सॉरी घास ना मिलने के कारण वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। और बड़े जो एनिमल थे वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खा लेते थे, जिसके कारण वो जीवित रहे। और आज हमें नए तरीके के जिराफ, बड़ी गर्दन वाले, बड़ी पैर वाले, अगर पैर जिनके जो फोर लिम्स हैं वो बड़े हैं, लॉन्ग हैं, और लॉन्ग नेक वाले जिराफ अपन को दिखाई देते हैं।